Performance appraisal is one of the very main aspects of PMS. अगर हम ये कहें कि it is the backbone of PMS तो गलत नहीं होगा. अगर हम थोड़ी सी history की तरफ जाएं तो PMS was basically initiated through the appraisal or evaluation of the employee performance. इसमें सिर्फ PMS का एक main purpose होता था, just the evaluation of the employee performance. Let's see कि जब भी employee की performance को evaluate किया जाता है तो वो किस basis या किस information या feedback के ऊपर base करता है. There are different sources of information that provide the feedback based on which the employee performances are evaluated. Let's see one by one ki what are these different sources of information. Basically, these sources of information are the stakeholders who are either directly or indirectly related with the employee performance. They could be supervisors, they could be their peers, their subordinates, their customers, and self, the employee, him or herself, can appraise the performance of him or herself, and the 360 feedback system. Let's see one by one which type of information these sources to provide us that basically provide information based on which the performance of an employee is evaluated. Supervisor, sabse zyada conventional medium hai ya source of information hai jiski feedback ke upar employee ki performance relate karti hai. Supervisors are basically the ones who are hired to monitor the employee performance. So basically, because they are so close and their main task is to monitor the employee performance, so they are basically closely monitor the employee performance and can provide a very accurate feedback on the performance. Basically, inki jo bhi feedback hoti hai, usko usually administrative purposes ke liye ya reward or punishment ke decisions ke liye use kiya jata hai. क्योंकि वो बेसिकली देख ही उसको बड़ी क्रिटिकल एंगल से रहे होते हैं कि वेदर द डेडिकेटेड और द डेलीगेटेड टास्क आर कम्प्लिश्ड और नॉट. सो वो उसी एंगल से उसको देख रहे होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक. चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है हु इज अ सबऑर्डिनेट, सो वी कंसिडर इट एज अ वन मैन शो. और इस वन मैन शो में पर्सनल बायसनेस का बहुत चांस है. The supervisor, अगर उसकी अच्छी टर्म्स नहीं है अपनी सबऑर्डिनेट से तो वो उनको अंडर एवेल्युएट कर सकता है. अगर कुछ फेवरेटिज्म है साइड पर तो वो उसको ओवर एवेल्युएशन की तरफ लेकर जा सकता है. टू ओवरकम दिस पर्सनल बायसनेस द अदर मीडियम विच इज यूज्ड आर द पीयर्स. पीयर्स आर बेसिकली द कुलीग्स और ये वो लोग होते हैं हु वर्क एट द सेम हायरार्किकल लेवल. चूंकि वो एक ही हायरार्किकल लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली दे आर अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जॉब ड्यूटीज क्या हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक जॉब होल्डर को करनी है. सो पीयर आर द वंस हु आर वेल अवेयर ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब. अब यहां पर भी पर्सनल बायसनेस तो रह ही जाती है क्योंकि कुलीग्स में कुछ लोग हमारे क्लोज होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं. सो देर आर चांसेस कि हम अपने उन फ्रेंड कुलीग्स को ओवर एवेल्युएट कर दें, लेकिन वो कुलीग जिनको हम अपना कंपेटिटर समझ रहे हैं उनको हम अंडर एवेल्युएट करते हैं. यहां पर अगर मैं पीयर की एक एग्जांपल दूं तो वो हम जैसे कह देते हैं कि सेकेंड ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर. एक ही डॉक्टर है जो डायग्नोज करता है और फिर उसी के डायग्नोसिस को चेक किया जाता है, या आप उसे कह दें उस पर एक डबल चेक लिया जाता है. उसी फील्ड उसी डोमेन का एक डॉक्टर उसको रीचेक करता है. ये भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है पीयर एवेल्युएशन की. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ होती हैं सेल्फ मैनेज्ड टीम्स या क्रॉस फंक्शनल टीम्स जिनके कोई लीडर्स या सुपरवाइजर्स नहीं होते. इन सिचुएशंस में भी वो टीम मेंबर्स एक दूसरे की पीयर लेवल के ऊपर अवैल्युएशन कर सकते हैं. जैसे कि चूंकि ये एक टीम को अप्रेज कर रहा है तो बेसिकली इसका जो फोकस होता है अप्रेजल का उसमें टीम कोऑर्डिनेशन जो होती है वो जरूर देखी जा रही होती है कि विद इन अ टीम एक पर्सन किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है. एक और जो थर्ड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा यूज हो रहा होता है वो होता है सबऑर्डिनेट्स. ऑल दो ये होता बहुत कम है, बहुत रेयर सिचुएशंस में होता है, बट इवन ये भी मीडियम यूज किया जाता है. सबऑर्डिनेट आर द वंस हु आर बेसिकली एक्सपीरियंसिंग सुपरवाइजर्स लीडर्स और मैनेजर्स बिहेवियर टूवर्ड्स देम. सो बेसिकली दे आर इन अ पोजिशन टू चेक द लीडरशिप, द मैनेजीरियल स्किल्स ऑफ अ पर्सन, वो कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेता है, कितना अच्छा लोगों को मैनेज कर लेता है. इन स्किल्स को अगर आपने एवेल्युएट करना है तो उन सबऑर्डिनेट से
information lena bahut acha hota hai, who are at the receiving end of all these skills. Aur sabse important baat, kyunki subordinate hain, who are the ones jo apne supervisors ko subordinate ko evaluate kar rahe, is situation mein biasness badi ye hoti hai ki unko bada fear ho sakta hai ki agar hum supervisor ko underrate kar de to wo hamare sath kya kare. So is cheez ko dekhne ke liye ye zarur ensure kar lein ki inki feedback administrative ki bajaye development of the leader ke liye use ho, to wo badi feedback positive, ya aap use keh sakte unbiased or transparent aati hai. Kyunki subordinates involved hain to anonymity bhi rakhein ki ye na disclose karein ki ek leader ki ye feedback uske kis subordinate ne di hai. To ye bhi ye kuch steps hain jo basically is source of information ko jo hai wo transparent banate hain aur effective banane mein madad dete hain.